लेटे है ना, महाराज साहब से अपनी बात रखने के लिए लेटे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांचवी लिस्ट जारी किए जाने के बाद राजनीतिक बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और आज यह बवाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के महाराज के महल तक पहुंच गया। भाजपा की पांचवी सूची जारी होने के बाद टिकट न मिलने पर नाखुश दावेदार और उनके समर्थकों के तेवर बिगड़ गए। नाराज भाजपाइयों ने सिंधिया के महल के बाहर जमकर नारेबाजी की और जब सिंधिया महल से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। इस दौरान सिंधिया ने नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने के तमाम प्रयास किए लेकिन कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पांचवी लिस्ट में ग्वालियर पूर्व विधानसभा से पूर्व मंत्री माया सिंह को इस बार टिकट दिया है। भाजपा नेता मुन्ना लाल गोयल इस सीट से दावेदारी ठोक रहे थे और जैसे ही पांचवी लिस्ट सामने आई तो माया सिंह के नाम का ऐलान हुआ। मुन्ना लाल गोयल समर्थक इकट्ठा होना शुरू हो गए। देर रात उन्होंने जहां मुरार के बारादरी चौराहे पर जमकर चक्का जाम करते हुए हंगामा मचाया था तो वहीं सुबह होते ही गोयल के समर्थक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल तक पहुंच गए। इस दौरान महल पर तैनात गार्ड ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनसे झूमाझट की भी हुई और गार्ड बैरिकेड लांघते हुए सिंधिया समर्थन महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। यहां डेढ़ घंटे से दो घंटे तक जमकर हंगामा किया और मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जब महल से बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी के आगे भी लेट गए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी थीं और उन्होंने भी सिंधिया के सामने मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री माया सिंह भी महल से जुड़ी हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्तेदार हैं और मामी लगती हैं। मुन्ना लाल गोयल भी सिंधिया समर्थक हैं। ऐसे में सिंधिया के सामने गोयल समर्थकों को साधना बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे इन सभी लोगों से मिलने के लिए आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कई बार हमारा मत है उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता और कई बार लिया जाता है, यह हर बार संभव नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि दिग्गजों के भी टिकट काटे गए हैं। मैं खुद मुन्ना लाल गोयल का टिकट 3 बार करवाया और ये सबको पता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मुन्ना लाल के साथ खड़ा हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।